शाहजहांपुर खुटार के मोहल्ले राय टोला में चल रही थी अवैध असला फैक्ट्री। खुटार नगर के मोहल्ले राय टोला में अवैध असला फैक्ट्री चलाने वाले रमातोर कालियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके घर से 3 बने तमंचे, 1 अधवना तमंचा, 1 देसी रिवॉल्वर, 1 12 बोर की बंदूक के साथ ही असला बनाने के औजार भी बरामद किए। पुलिस ने रमातोर कालिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। अवैध असला फैक्ट्री चलाने वाले रमातोर कालिया को पकड़ने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष जयशंकर सिंह, दरोगा रामनाथ मिश्रा, दरोगा रामायण सिंह, हेड कांस्टेबल विजय प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल यशपाल सिंह, कांस्टेबल मोनी कुमार आदि शामिल रहे। थाना खुटार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त राम अवतार उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया गया। ये अवैध असलाह की फैक्ट्री चला रहा था अपने घर के अंदर ही। इससे एक काफ़ी मात्रा में बने और अधबने तमंचे बरामद हुए हैं, एक बंदूक भी बरामद हुई और एक देसी रिवाल्वर जो रिपेयरिंग के लिए आई थी वो भी बरामद हुई है। इसने गैस के चूल्हे पर ही हीटर के एलिमेंट लगाकर इलेक्ट्रिक भट्टी तैयार कर रखी थी। ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी, इस पर कई अभियोग पंजीकृत हैं। पहले इसने एक ही परिवार के 3 लोगों की डकैती के दौरान हत्या कर दी थी। ये मूलतः लखीमपुर हैदराबाद का रहने वाला है। यहाँ पे खुटार में आकर रहने लगा, इसके बाद एक गन हाउस पे नौकरी करने लगा और उसी की आड़ में अवैध फैक्ट्री का संचालन करने लगा। शातिर किस का अपराधी, इस पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इससे पूछताछ की जा रही है और इसको जेल भेजा जा रहा है।